फिर नाभे वागे उत्थे भी उन्हें दवाई देती तो दोबारे गया अस्पताल से वो कहना भी थोड़ा एक कोई इलाज नहीं थोड़ा पीस लेना पेगा भी रजिंद्रा च जाओ उत्थे थोड़ा इलाज होगा। असं रजिंद्रा च गए जी रजिंद्रा वाले ने भी साडा बहुत जने बी पी भी वधाता शूगर शागर का सारे टैस्ट टूस्ट करवा के मेरे फिर उन्होंने अंदरों देखा भी वह ऑपरेशन हूँ कर लेना पेगा पीस भी रिपोर्ट आऊ फिर असी पीस दवा दिता जी उन्होंने पिछले साल मेरा ख्याल अप्रैल च पीस लिया जब उन्होंने पीस लेके रिपोर्ट आई दो तीन महीने पहले वो कहते भी क्लीयर नहीं हैगी थोड़ी रिपोर्ट बाद जानी मेरी माड़ी जी उतो होर दब गई पहले दब गई फिर इन्होंने असी दो तीन महीने घुमा के उरे फिर ये कहते भी तुम ए करो भी थोड़ा पी जी आई जी बग जाओ एक बार जो कर देंगे। सत श्री अकाल जी न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे हो तुसी मेरा नाम है कुलवंत सिंह। सेहत मामलों लैके अज एक अजिहे विषय नूं तुहाडे सामने लैके आया जिसनूं जानन तो बाद तुसी कुदरती तरीके दे नाल जिहड़े इलाज किए जाते हैं उस ते तुहाडा भरोसा पहलां नालों कई गुणा वध जाएगा। साढ़े नाल ने एक अजिहे शख्स जिहड़े कि जिन्ह की आवाज़ चली गई सी जिन्हों के जोड़े वॉइस बॉक्स जो जितों आवाज़ बनती है गले के वोकल कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश उस दे रसौली हो गई सी छोटी जी तो उदे करके इन्हों की आवाज़ बंद हो गई सी बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई सी पी जी आई गए डॉक्टर ने उत्थे बायोप्सी की फिर बायोप्सी की तो इतों तक फिर बाद कहता कि यह ठीक नहीं हो पाना एक भविख के इस चीज़ का कैंसर बन सकता अज की हालात ने तो डॉक्टर अमर सिंह आजाद होना को जो आए उस तो बाद किस तरीके इन्होंने शरीर के बदलाव आया अज किस हालात के आप इन मूँह तो जाने की कोशिश करते हैं तो फिर थोड़े सामने रखा भी ये किस तरीके ठीक हो के अज जे वो थोड़े रूबरू हुए हैं। सत श्री अकाल जी की नाम है जी थोड़ा सरजीत सिंह है जी मेरा नाम कितों के रहने वाले जी जिंदलपुर के भार नाभा तहसील के ठीक है। सत श्री अकाल जी थोड़ा की नाम है मेरा नाम गुरदीप सिंह है जी मैं इन्हों का बेटा जी। अच्छा तो बापू जी मैं ये दसो कि किस तरीके थोनू जदों होया सब तो पहला एक पहला की प्रॉब्लम सी शरीर के जिहड़ी कि हुण बाद विच थोनू इस तरह की प्रॉब्लम आई मैं प्रॉब्लम नहीं जी मैं प्यास लगन लग गई बद प्यास मैं पहला पानी नहीं पींदा जी थोड़ा बहुत कित पीना नहीं पींदा नहीं आम अच्छा पुराने वो करके भी मैं फिर त्याह लगन लग गई मैं पानी फिर नाल रख लग गया मूँह सुकन लग गया मेरा मूँह सुकता जी बहुत ज़्यादा मूँह सुकता सुकता आवाज हो गई खराब मैं कहते भी तू चल डॉक्टर से दो तीन प्राइवेट के फिर पहला सरहद गए सरहद वाले ने भी अंदरों देखा वो कहता भी दवाई देती उन्हें हफ्ती साढ़ा कुछ नहीं फर्क पाया फिर नाभे वग गए उत्थे भी उन्हें दवाई देती दोबारे गया अस्पताल से वो कहता भी थोड़ा कोई इलाज नहीं थोड़ा पीस लेना पेगा भी रजिंद्रा च जाओ उत्थे थोड़ा इलाज होगा। असं रजिंद्रा च गए जी रजिंद्रा वाले ने भी साडा बहुत जने बी पी भी वधाता शूगर शागर का सारे टैस्ट टूस्ट करवा के मेरे फिर उन्होंने अंदरों देखा भी वह ऑपरेशन हूँ कर लेना पेगा पीस भी रिपोर्ट आऊ फिर असी पीस दवा दिता जी उन्होंने पिछले साल मेरा ख्याल अप्रैल च पीस लिया जब उन्होंने पीस लेके रिपोर्ट आई दो तीन महीने पहले वो कहते भी क्लीयर नहीं हैगी थोड़ी रिपोर्ट बाद जानी मेरी माड़ी जी उतो होर दब गई पहले दब गई फिर इन्होंने असी दो तीन महीने घुमा के उरे फिर ये कहते भी तुम ए करो भी थोड़ा पी जी आई जी बग जाओ एक बार जो कर देंगे भी तो और इन्ना होना नहीं साढ़े को एड्डी मशीनरी नहीं हैगी असी पी जी आई उन्होंने उस रिपोर्टा से साड़ी उही रिपोर्ट मंगा के देखी वो फिर उस कुछ नहीं उन्होंने फिर सा पीस लिया जी फिर साढ़े फिर टैस्ट करवाए सारे दोबारा फिर उन्होंने पीस लिया अंदरों पीस वो जी बेहोश करके लेंगे थे गल के बीच मतलब पा के ना कोई चीज़ बेहोश करके कट देते अंदर मास वो कट के फिर रिपोर्ट भेज देते फिर साड़ी 20 तरीक को साडा करिया वो 20 ते फिर रिपोर्ट आई साड़ी महीने च अगले महीने 11वें दी मेरा ख्याल 22 तरीक को साडा फिर करता उन्होंने फिर करके फिर वो कहते भी मैं इनू कहा हुंदा भाई मैनू बुला लग गया तौर पर ना उत्तों ये बुला लग गया मैं क्या मेरा बोल नहीं निकलता अज मैं भी बंद हो गया पीस लिया ना जो आए फिर मेरा आवाज बंद हो गई जब अं घर आ गए चल फिर हम थोन पता भी चलता रहा काम फिर पी जी आई च गए से रिपोर्ट आई थे वो कहते भी तुम हम 3 महीने ना आयो भी 3 महीने बाद दोबारे पीस लवेंगे भी सानू शक है भी कैंसर हो सकता अंदर असं 3 महीने कुदरती करोनो लग गई पार मार्च करोनो लगी भी ये कितने इन्हें देख लिया और आजाद दे आ गए अभी तो मई जी पिछले साल इनू अजे मैं कह दी मैं कहो ये नहीं लौटा तू कानू फिर हूँ पड़ता पैसे
भी ये तो उत्थे जाना पेगा। चल उरे आए इन्होंने सानू डेड जी लाती, फर्क पैंदा पैंदा मेरा तीन चार महीने च जानी माड़ा जहा लग गया आवाज निकल। ठीक है, अज साल हो गया पूरा ठीक ठाक। ठीक है, तो यह दसो कि जदों तुसी इन्हां दे नाल जांदे सीगे जदों तुहानू ये मतलब पहली बार लग्या कि यह इन्हां नूं कोई प्रॉब्लम हैगी है, शुगर पहले इन्हां नूं हैगी सी कि डॉक्टरों को जाण तो बाद पता लग्या? जाण तो बाद है असल च जी, जदों इन्हां नूं गले की पहला प्रॉब्लम हो गई, जिवें कहिंदे ने प्यास लगनी स्टार्ट हुई, उस तों बाद इन्हां नूं आवाज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, फिर इन्हां दे टैसट कराए जी, जो टेस्ट करवाए फिर डायबिटिक हो गई, शुगर की प्रॉब्लम पहला नहीं सी, पहला सानू टेस्ट कराने तो बाद इन्हां नूं पता लग गया वी इन्हां नूं शुगर है, शुगर भी है, तो शुगर की पहला कोई अलामत नज़र नहीं सी आ रही ना? बिल बस इन्हां नूं प्यास लगती सी जी थोड़ा जिहा चिर पहला, मन के चलो महीना क पहला इन्हां नूं प्यास की हैगी सी, थोड़ी जी ज़्यादा प्यास लगती सी, पर टेस्ट नहीं कराया, पर टेस्ट नहीं कराया। जदों फिर ये आवाज़ दबण लग गई उस टाइम फिर सारे टेस्ट कराए जी बॉडी के, उद्देश इन्हों शूगर के बी पी दोनों प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जी। फिर इतों रजिंदरा तो चलते ही रहा, जिमें एक बार बायपसी इतों रजिंदरा चो हुई जी, उस तो बाद फिर इन दो बार बायपसी चंडीगढ़ पी जी आई चो करवाई जी, बायपसी यानी अंदरों पीस लेंदे? हाँ बायपसी मतलब पीस लेंदे सी जी, उस स्पीसीएस ऑफ मिलगेंसी कहिंदे सी, यानी कि कैंसर होने का शक हो सकता? हाँ कैंसर का शक सी उन्हां नूं, उह रिपीट बायोपसी ही लिखते सी, बायोपसी की रिपोर्ट के नीचे जो कंकलूड करते सी ना वो लिख देंदे सी कि रिपीट बायोपसी। जो मेरी उत्थे डॉक्टर नाल भी गल हुंदी सी कि भी दो बार बायोपसी तुसीं इत्थे कर चुके हो, एक बार असीं पटियाले करा चुके, भी जदों कोई चीज़ फाउंड नहीं हो रही वो की कहिंदे सी कि अंदर रसोली टाइप कुछ बन गया है कि वधेगा कि आने वाले समय से यह कैंसर भी बन सकता, कुछ होर भी बन सकता, कुछ भी हो सकता कि यह प्रॉब्लम बढ़ेगी थोड़ी आने वाले समय से। तो जो लास्ट ईयर करोना आया जी तो पी जी आई बंद हो गई ओपीडी, उत्थे फिर सा तो नहीं पहुँच होगी, फिर सानू डॉक्टर अमर सिंह आजाद बारे पता लग्या, तुहाडे वर्गे किसी भरा ने यूट्यूब पर पाए हुए सी, फिर असी हौली हौली पहुँचे जी इत्थे इन्हों को डॉक्टर साहब को इन्हों की सलाह ली, सानू विश्वास लग्या भी इट्स ठीक हो सकता मतलब नैचुरल तरीके ना, तो रिजल्ट थोड़े सामने ने जी, अज इन्हों की आवाज़ पूरी तरह 100% ठीक हो गई है जी। तो अच्छा जो ये दसो कि तुहानू लगता कि पहला तो तुहाडे बापू जी ठीक सीगे, तो जदों तुसीं जिहड़े अंग्रेजी दवाइयां वाले चक्कर च डॉक्टरां दे चक्कर च पे उदों जिहड़ा काम खराब 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 तो होर खराब हुंदा चला गया? हाँ जी नैचुरली है, जदों आवाज़ स्टार्टिंग पॉइंट तो बहुत थोड़ी खराब सी, दवाइया स्टार्ट हो गई, शुगर नहीं सी, बीपी का पता नहीं सी, वो पता ही नहीं सी जी, वो हैगे जां नहीं हैगे सी पर पता नहीं सी जी जी, क्योंकि जो टेस्ट होए फिर उहदे च शुगर बीपी दोनों सामने आ गए जी। यानी पहला चंगे भले तुरे फिरदे सी? बिल्कुल बिल्कुल जी, काम करदे सी, खेतीबाड़ी दा काम करवा, साडा खेतीबाड़ी दा काम आ जी, खेतीबाड़ी दा काम करवाउंदे ने सारा नाल। जदों इह पता लग्या कि इहनां नूं शुगर भी है बीपी भी है, इहनां नूं प्रॉब्लम हैगी आ, दवाइयां शुरू हो गईयां, उदों फिर इहनां दे शरीर दी हालत ते काम दे उत्ते किन्ना असर पिया? थोड़ी जी फिर फर्क तां पैणा ही सी जी, दवाइयां स्टार्ट हो गईयां उहनां नाल सुस्ती भी रहिंदी है जी, ते शरीर दा भी फर्क पैणा स्टार्ट हो गया, बाकी आवाज़ बिल्कुल बंद होण वल नू चली गई है जी। जिवें फस्ट टाइम जदों वाइपसी हुई आवाज़ तो कोई बड़ा फर्क नहीं पिया, दूजी बार तीजी बार तो बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई सी जी, क्योंकि डॉक्टर यानी घरों जदों गए उदों बिल्कुल ठीक सीगे, हाँ, बोल रहे सीगे, हाँ, वापसी दे आंदे आवाज़ बंद हो गई? हाँ जदों वोकल कॉर्ड चो फिर वो की कहिंदे सी कि असीं बहुत डीप जाके इहदे चों पीस लैणा जी, जदों थर्ड टाइम लिया उन्होंने फिर वो बहुत डीप जाके पीस लिया उन्होंने कि डूंघाई जाके सानू पता लगूगा कि इहदे च की चीज़ है, तो उस टाइम फिर आवाज़ तो नैचुरली फर्क पैना ही जी, आवाज़ बिल्कुल कट गई सी, पर उस तो बाद चलो मौके पर जख्म सी ला लो जा तो अंदर फर्क तो पिया दो दिन बाद थोड़ा जा फिर, पर आवाज़ कट रही सी तीनों दिन, आवाज़ बंद होने चल रही सी, पर हुण तो इत्थे आके डॉक्टर साहब ने जो दस्या सारा सिस्टम असी हिसाब नाल सारा डाइट प्लान नूं प्रोपर फॉलो किया जिस तरह ये दसते हैं, तो उहदे नाल सानूं बहुत वधिया रिजल्ट मिले ने जी, 100% रिजल्ट मिले ने जी। यानी करोना का धन्यवाद करोगे भी करोना ने उत्थे पीजीआई बंद करा दी ते तुहानूं इस तरहां? मैं खुद ये भी गल करदा हुंदा जी बहुत बार होर दोस्तों मित्रां नाल भैण भरा नाल कि जे करोना ना आउंदा शायद अज कंडीशन कुछ होर होनी सी जी, तुसीं डॉक्टरां दे चक्कर च पए रहना, असीं उत्थे पए रहना सी जी, शायद पता नहीं की होना सी जी, पर मैं उहदे बारे कह नहीं सकदा, पर जे करोना आया तां डॉक्टर अमर सिंह आजाद बारे सानूं पता लग्गिया ते असीं अज बहुत वधिया संतुष्ट हां जी पूरी तरह, सानूं चंगा लगदा है। अच्छा बाबू ये दसो कि जदों तुहानूं पता लग्या भी थोनों इस तरीके नाल कह रहे ने कैंसर है, वो कह रहे ने भी हर बार थोड़े तो एक तजर्बा करते सी, तुहाडे अंदरों पीस लैंदे सी,
तो तुहानू ये भी दसता गया भी तुहानू शूगर भी है तुहानू ब्लड प्रैशर भी है उदो फिर मानसिक हालत की सी दिमाग दे विच किस तरह चिंता पै गई सी? ये तो जी गल तुसी हुण कहेंगे भी कहीं हूँ जान के कहिंदा मैं इन्नी चिंता नहीं करी ये गल दी किसी दी। अच्छा भी बात जांदी है जाऊ कोई गल नहीं आपां ने कहड़ा करना कुछ रोटी पानी है दूलो सैना नाल ले लिया करांगे बस यही कुछ है कोई मतलब अपने मन ते कोई लोड नहीं पिया। बाकी हुण मेरा शूगर बीपी बिल्कुल नॉर्मल है मैं हर वक्त चेक करवाउंदा रहना कोई दवाई नहीं मिलदा नॉर्मल चलता दो चीज़ा खाना पीना भी मैं मिठा भी बंद कराया वा थी हूँ मेरा मिठा भी चलता है चाह पानी जो मैं पीना मिठा पीना कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होना शरीर पहला नाल तंदुरुस्त है मतलब शरीर बापू जी तो कहते मैं कोई चिंता नहीं परिवार को तो चिंता सी परिवार को तो नैचुरली है जी हो जानी है पहला दो साल पहला मेरे माता जी की डैथ हो गई सी। हाँ तो फिर जो परिवार के बजुर्ग न किसी कोई इदा की प्रॉब्लम अपन तो हम पता लगता ना क्योंकि जो पी जी आई जाने फिर अपन पता लगता जी उत्थे कितनी बुरी हालत है पूरे दिहाड़ी अपनी उत्थे निकल जाती है चिंता तो नैचुरली है होनी होंगी है जी पर चलो ठीक है इन्हों का थोड़ा जा मैंटली स्ट्रोंग ने उदे करके इन्हों जे डाइट के भी ने रिजल्ट बहुत जल्दी मिले जिदा विदिन 6 मंथ बहुत रिकवरी कर गए ये डाइट नाल भी। अच्छा जो तुम डॉक्टर साहब को आए पहली बार तो तुम जो इन्हों दिखाया अपन रिपोर्टा दिखाइया तो फिर डॉक्टर साहब का की रिएक्शन से कि उन्होंने कहा भी इसका इन्हों का अपना इलाज किस तरह करना की दवाइया बंद कराइया दवाइया नवी लिख के दतिया हर्बल लिखिया की किया उन्होंने जदों असी डॉक्टर साहब को आए डॉक्टर साहब ने भी सानू यही सलाह दी कि तुम हूँ यदि बायोप्सी ना करवाओ दोबारा कि बार बार जो आप किसी चीज़ में वो करा तो जे कुछ नहीं भी है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी होर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो शुगर इन्हों रहा डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम काढ़े ने जो वो स्टार्ट करो तो शुगर की गोली फस्ट डे ही इन्हों की डॉक्टर साहब ने बंद करती कि तुम जे उन्होंने दसी मतलब रेशो दसी कि इस तो उपर जाता जे फिर तुम लियो नहीं लियो ना उस रेशो तक पहुँचे ही नहीं हो तो फस्ट डे शूगर बीपी दोनों गोलियां उन्होंने बंद करती जी मुड़ के अज एक साल तो उपर हो चुके जी पहले दिन ही बंद करती सी पहले दिन ही वो कहें भी ठीक हो जाएंगे इन्हों कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे जो भी प्रॉब्लम होगी वड्डी तो वड्डी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी तो फस्ट डे ही इन्हों गोलियां बंद करती सी तो दिमाग से टेंशन नहीं पी भी यह तो बंद करी जाते हैं कि पागलों काम हो गया नहीं थोड़ा जा लगता नहीं सी जी भी इन्नी जल्दी सानू रिजल्ट मिल जाएंगे ते दवाई बंद करन दा सीगा भी असी रीडिंग चैक करते रहिंदे सी दवाई बंद करन तो बाद असी रीडिंग चैक करते सी कि किते दवाई बंद करके इन्हां दा एकदम शुगर ना वध जावे क्योंकि डॉक्टर साहब ने सानू कहा कि तुसी रीडिंग चैक करते रहो तो क्योंकि कित्थे तां हुण शुगर सी जी इन्हां नूं डॉक्टर साहब कहिंदे ने कि 1 किलो फ्रूट खाने सवेरे उठ के तो साढ़े मन नूं लगी तां सी गल भी मिठे फ्रूट खाणगे शुगर तां वध जाएगा एकदम पर बिल्कुल नहीं जी वधिया कोई भी रीडिंग इन्हां दी शुगर दी अप नहीं गई हैगी उस दिन तो बाद हफ्ते एक च मन के चलो स्टेबिलिटी होगी शुगर दी ते उस तो बाद कोई दवाई नहीं जी इन्हां ने ली हैगी शुगर दी बीपी दी वो दोनों गोलियां बंद हो गईं ते जिहड़ी गले वास्ते सीगी वो भी बंद हो गईं वो भी बंद हो गई सी कोई दवाई नहीं पहले दिन तो ही गले वास्ते असल च कोई प्रोपर शेड्यूल चलाया नहीं सी दवाइयां दा वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे सी थोड़े दिन का हों जो जख्म ठीक हो जाता फिर बंद कर देंगे पर डॉक्टर साहब ने कहा कि दोबारा बायोप्सी नहीं करानी कुछ नहीं कराना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मेरे को असल चो जो गले की चैकअप करते वीडियो सी जी मैं वो वीडियो भी डॉक्टर साहब ने दिखाई डॉक्टर साहब ने बड़े ध्यान नाल देखी जी तो बस डॉक्टर साहब कहते भी तुम कुछ भी तुम्हें करने की लड़ नहीं डाइट प्लैन प्रॉपर फॉलो करो स्ट्रिक्टली कि वो कोई कताही ना हो तो उस तरह असी किया जी डाइट जी प्लैन से प्रॉपर स्ट्रिक्टली फॉलो किया एज इट इज जिदा डॉक्टर साहब कहें उदा ही फॉलो किया कोई अपने वालों वो नहीं किया कताही नहीं की इस करके जी सानू उहदे रिजल्ट वधिया मिले ने यानी डाइट नूं तुसीं दवाई वांगू फॉलो कीता भी इन्ने वजे इन्ने मिंट ते आ चीज करनी है ते करनी है बिल्कुल दवाई वांग जी जे 12 वजे सलाद किया सी तां 12 वजे ही सलाद मिलना सी प्रोपर जिस तरह आपां दवाइयां खाने जी असीं डाइट नूं उदां खांदा ते पहला पहला जदों थोड़े जे नॉलेज घट सी जिवें रोटी नहीं सी बणदी मिलट्स दी रोटी बनाउणी थोड़ी जी औखी लगदी सी ते हफ्ते च 1 दिन रोटी खांदे सी
6 ਦਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਆਟੇ 'ਚ ਜੌਂਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਟ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਟ ਲਈਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲਮ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾਈਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀ ਯਾਨੀ ਭਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵਜਨ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਕਣ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਆਥਣ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵਗ ਜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਛੁੱਟਤਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਕਾੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਕਣ ਜੇ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਕਰਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਈ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਇਟ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਰੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ 'ਚ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਇਟ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਣਕ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਇਲ ਹਾਂ ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਇਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੀਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵੀ ਮਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਮਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਨਮਕ ਸਿੰਪਲ ਨਮਕ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਜੋ ਪੂੜਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾੜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾੜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 85 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਕਿ 850-900 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਾਓ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਬਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾੜਾ ਫਿਰ 9 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ 12:30 ਸਲਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਲਾਓ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਟਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ ਗੋਡੇ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਡੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ
अच्छा सारी उम्र तुसी रोटी खाधी, सारी उम्र तुसी जिहड़ा होर जिहड़ियां चीज़ां खाधियां, ते मिलट्स जदों खाने शुरू किए ये स्वाद लगे कि पहली बार तो क्या भी नहीं यार साढ़े असी नहीं खा सकते? स्टार्टिंग च थोड़ा लगता, स्टार्टिंग च थोड़ा जिहा लगता है जी, आपां कहीए कि जदों आपां एक रेगूलर डाइट लै रहे हुंदे आ उसनू छड के दूसरी डाइट ते जांदे आ स्टार्टिंग च थोड़ी जी प्रॉब्लम आती है, जदों पर थोनों पता लगता कि इहदे विच मेरी सेहत का राज छुपया फिर तुसीं उहनू बड़े आनंद नाल खांदे हो, फिर थोनों चंगे भी लगदे बड़े वधिया। अज्ज मैं लगदा रोटी कन्नी झाकण नू जी नहीं करदा। नहीं बिल्कुल नहीं जी, कणक दी रोटी दा हुण कोई उहदी इंपोर्टेंस नहीं हैगी जी, क्योंकि इह इक तंदरुस्त खुराक है, तंदुरुस्ती दे उपर दी कोई होर चीज़ हो ही नहीं सकती जी, जे तुहाडी बॉडी तंदुरुस्त है तां तुहाडा मन तंदुरुस्त है। अच्छा बापू जी एक गल दसो, तुसीं सारी उम्र तुसीं किसान हो, सारी उम्र तुसीं जिहड़ी है उहो खेती कीती है कणक चौल दे इहदे चक्कर च रहे हो, ते हुण जदों आप तुसीं मिलट्स दे नाल ठीक होए, आप तुसीं काढ़िआं नाल ठीक होए, आप तुसीं होरां नाल ठीक होए, कि लगदा नहीं भी आपां नूं पंजाब नूं खेती ही मिलट्स दी करनी चाहीदी है तां कि जिहड़े तंदुरुस्ती वधे? खेती है जी, खेती इह चीज़ है जिहड़ी आपणे उरे चलदी नहीं हले, एक तो ये वास्ते मतलब जो यदा मुढ़ा है वह नहीं पता भी किमें होगा, ज्यादा फिर उत्थे जिथे बनती है उत्थे जाके बंदा देख सकता है। जो तुम्हें कोई सिखावे तो करनी शुरू कर दो? कर देंगे हाँ, असी कोशिश कर, पता लग जाए भी इकन एकन होंगी कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, खेती ये तो वधिया चीज़ है समा घर खा बर्तन जिनी मर्जी वरतो, फालतू किसी होर भी देख के कोई होर लग जाता वधिया चीज़ है, जिमीदार वास्ते तो बहुत ही वधिया जो जे होने लग जाए अपने इधर खेती। बाकी थोनों को पता भी धरती का गेड़ हों, जिते कोई चीज़ होंगी है उत्थे वो चीज़ ज़्यादा होंगी है, हम केरला कुरला कहते हैं भी होंगी अपने तो ही नहीं कि लग भी उत्थे जाके तो हम देखना भी मुश्किल है, उसे देख के पता लग सकता ये क्ढण का बीज मतलब जोड़े बीज ने वह भी कहते भी कोई किसी वह निकलते ने आम निकलते हैं सिलका कैड़ा उपर दसते हैं कुछ। अच्छा मैंने ये दसो कि तुसी बापू जी तो चलो बहुते पढ़े लिखे मैंने नहीं लग रहे, पर तुसी पढ़े लिखे हाँ तुसी पढ़े लिखे लग रहे हो, तुहानू जेकर इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए सिखाया जाए भी इस तरह हैगा तो तुसी कणक झोने के चक्कर के विचों निकलना पसंद करोगे? असी एज ए ट्रायल बेस इनू इस वर कर रहे हैं जी। अच्छा करना भी शुरू करता? असी 5 मिलट्स के जो सीड ने वो हुण लै लए ने, ये प्रगट सिंह जी ने जो NP नैचुरोपैथी चला रहे हैं इन्होंने सानू प्रोवाइड करवाए ने, तो हुण असी एक ट्रायल वास्ते उन्होंने इस साल थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं, 10-10-20 बीघा च लगावांगे। अच्छा हालांकि इहदे च एक मेन वड्डी प्रॉब्लम यह दस रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह आपां शैलर च झोने का सिलका उतार के तैयार करते हैं इहदी मिलिंग की प्रॉब्लम मेन वड्डी प्रॉब्लम इस टाइम इत्थे है, बट ये हो सकते हैं जिहड़ा कोदरा जी वो तो साढ़े बाबा नानक खेती की है जी, बिल्कुल वह खुद खाते भी रहे हैं, तो जिहड़े इहदे मिलिंग की प्रॉब्लम जरूर है वह भी आने वाले टाइम हल हो जूगी, मशीन आ जाएंगी कोई एड्डी वड्डी गल नहीं, जिवें साउथ च इहदी ज़्यादा खेती होंदी है जी, कर्नाटक च केरला च उधर उस साइड होंदी है, तो असी इस बार ट्रायल बेस से इहनू पैदा करके देखांगे जी, तो तुहानू बुलावांगे फिर दिखावांगे जिहड़े प्लाट असी तैयार कर रहे हैं, तो जे साडा वो सक्सैसफुल रहा तो असं फिर इनू वधिया लैवल पर करांगे जी, खेती जरूर करांगे असीं आने वाले समय से खेती करांगे। यानी तुसीं साउथ दे विच जाके भी देखण तो गुरेज नहीं करोगे भी उत्थे किवें हो रहा, किद्दां इहनू मिलिंग हुंदी है, किद्दां इहनू जिहड़ा आपां उस ढंग दे नाल उस तरीके दे नाल इहनू पैदा कर लैणा जिद्दां उधर हो रहा? बिल्कुल करांगे जी, कोशिश करांगे, जे सानूं उधर जाना भी पिया तां जरूर जाके आवांगे जी, देख के आवांगे जी। वैसे खेती मेरा विरासत मिशन है जिहड़ा वो कोशिशां कर रहे ने काफ़ी ज़्यादा कि इत्थे खेती की जाए इहनां दी मिलट्स दी, ते बाकी जहर मुक्त खेती की जाए, असी उहदे च मतलब बड़ा वधिया लग्या मैनूं जदों इन्हां ने हुण इह कीता कोशिश भी तुहानूं सीड असी प्रोवाइड कराउंदे आ तुसीं कोशिश करो, असीं हुण इस बार लगावांगे जी, थोड़ा थोड़ा लगा के देखांगे ना कि इहदे च प्रॉब्लम आउंदियां ने वो सारियां फिर पता लग जाएगा कि असीं इहनूं पैदा करन दी कोशिश करांगे इस बार। अच्छा जदों तुसीं मिलट्स लै के गए अपने घर खाना शुरू किया तो जदों तुहानूं लोकां ने पुछा भी होना तुहाडे मिलण गिलण वालिआं ने रिश्तेदारां ने भी की चीज़ है तो वह फिर जो उन्होंने देखा होना तो उन्होंने की रिएक्शन सी? मतलब स्टार्टिंग इदा सी भी कोई दवाई है। अच्छा हाँ कि नवी जगह तो कोई हुण देसी दवाई शुरू करी है इदा दे रिएक्शन होंदे ने स्टार्टिंग च, पर चलो ये है तो अनाज है जी बड़ा वधिया अनाज है तो सारे जिदे च गुण ने, स्टार्टिंग च तो रिएक्शन यही सी कि नवी दवाई स्टार्ट करी है, यानी कि अनाज नहीं है दवाई, अनाज नहीं सी जी मानदे उहनूं, दवाई मानदे सी कि दवाई लई है नवी कोई वो इदा इदा खानी है कणक मतलब छड देनी है दुध छड देना उहदे च, जिद्दां होर भी कई मतलब प्रॉब्लम च डॉक्टर दुध बंद कर देंदे ने कणक बंद कर देंदे ने इदा लगदा सी, पर हुण क्लीयर हो चुका जी एक अनाज है जिहनूं असीं रेगूलर खा सकते हैं, तंदुरुस्त बंदा खा के होर तंदुरुस्त रह सकता, बीमार बंदा खा के तंदुरुस्त हो सकता जी। जी जी परिवार का माहौल हुण इस टाइम किस तरह है जदों बापू जी ठीक हो चुके हैं? बहुत वधिया जी, बहुत खुशी हुंदी है जी। अच्छा बापू जी हुण तुसीं तां ठीक हो गए, मैनूं इह दसो कि जिहड़े तुहाडे देखण वाले ने सामने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਯਾਰ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੋਹਾਏ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਮੈਂ ਬੀ ਪੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਰਮਲ ਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕਣ ਦੇਖਣ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨੇ, ਵੀ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਐਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਹਾਵਰਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਓ ਜੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਛੱਡੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰੀਸ 'ਚ ਰੁੱਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੂ ਇਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਉਹ ਵਜਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜਤੀ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਜਨ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜਨ ਤਾਂ ਘਟੂਗਾ, ਵਾਜੂ ਤੇਰਾ ਵਜਨ ਫੇਲ ਉੱਠ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵਜਨ 8-10 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਕੇ 12, ਹੁਣ 2 ਕਿਲੋ ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਜਨ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਵਜਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਕਾੜੇ ਪੀਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਮਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵਿਦਇਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਛਡਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀ ਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ? ਸ਼ੂਗਰ ਬੀ ਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਧਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਬੀ ਪੀ ਤਾਂ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀ ਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਾਇਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀ ਪੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਟ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਉਹੀ ਉਗਾ ਕੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਉਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਅਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ, ਬਾਇਪਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ PGI, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ BP ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
सो तुहानूं इह गल्लबात किवें लगी अपनी राय सानूं साडे कमेंट बॉक्स च जरूर देना। साडी वीडियो जे चंगी लगी है तां इस नूं अगे लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ। साढ़े चैनल को लाइक तो सबसक्राइब करना ना भुल्यो। अगली बार फिर हाजिर होवांगे एक नवे मुद्दे एक नवे मेहमान के नाल। उदों तक मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।